Hello everybody, take two, Thursday's special live stream ka. I am sorry, kyunki iske pehle wale mein interruption tha, to hum take two le rahe hai. Agar aap iske pehle wale video ko dekh rahe the, aur ab iska replay dekh rahe ho, I am sorry for that. Jo log is video ko ab is waqt dekh rahe hai, apne comments yahan pe drop in kijiye, mujhe bataiye ki aap ye video dekh rahe hai. Hello Yunus, ab क्या सबको ये वीडियो दिख रहा है? क्या आप लोगों को अब प्रॉपरली दिख रहा है? ये मुझे बताइए ज़रूर, ताकि मुझे पता चल सके कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ सॉफ्टवेयर हाउस, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दैट? यस उमेर, सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करना है, फ्रीलांसिंग बिजनेस मॉड्यूल से स्टार्ट कर लीजिए. फ्रीलांसिंग बिजनेस मॉड्यूल से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि रिस्क वैल्यू कम रहेगी, बट स्लोली एंड स्टेडीली स्केल अप के ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे. हेलो मोहम्मद कासिम. तो अब इस वक्त कॉल पे कौन आना चाहता है, ऑन वीडियो कौन आना चाहता है, मुझे बताइए. जिसे भी क्वेश्चन है, अब मैं उसे ऑन वीडियो लेने वाली हूँ, ताकि हम डायरेक्टली बात कर सके. तो कौन आना चाहता है? राणा, क्या आप आना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ मिनरल वाटर बिजनेस, गिव मी सम आइडिया अबाउट ब्रांड नेम. आपका ब्रांड नेम आप डिसाइड करोगे, माई लवली फ्रेंड. आई वॉन्ट टू मेक अ बिग फ्यूचर, कॉल मी. ओके, लेट्स कॉल यू अब्दुल. हाँ, तो माई फ्रेंड, अगर आप अपना एक्चुअल यू नो बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, जिसका ब्रांड नेम आपको एक्चुअली बताना चाहिए मुझे, कि आप किस तरह का ब्रांड नेम एक्चुअली चाहते हो, ताकि आप उस तरह का ब्रांड नेम खुद अपने लिए क्रिएट कर सको. तो क्या आपके ब्रांड वैल्यूज रहेंगे, उसको कैसे क्रिएट करना चाहिए? ओके मोहम्मद, मैं आपको कॉल कर रही हूँ. कासिम, एक्सेप्ट द कॉल. कासिम, मैं आपको ऑन कैमरा ला रही हूँ. ओके नेक्स्ट. ओके, बहुत सारे लोग हैं. आई एम गोना ब्रिंग यू वन बाय वन गाइज, सो आई एम वेटिंग फॉर वन पर्सन टू एक्सेप्ट द कॉल. बाकी लोगों को भी मैं एक्सेप्ट करने वाली हूँ. वेट फॉर योर अमेजिंग opportunity to hop in. तब तक अपने questions बताइए, ताकि मैं आप लोगों की. Nonsense is noon seen is my brand name. Okay, तो आपके brand का नाम ये क्यों है, noon seen क्यों है, कुछ reason है, story है उसके पीछे, तो बताइए आप. Call me. Okay, फिर ही मैं आपको call करने वाली हूँ. पहले मैं एक इंसान का इंतजार कर रही हूँ. मेरा Shopify store है Android में, drop shopping सिर्फ पर ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ. फॉर वीज़ा कॉन्टैक्ट मी. यार बहुत वेट किया. वही माई नो, मैं एक्चुअली चेक कर रही थी कि इशू किस एंड से था, सो दैट्स द रीज़न वाई. ओके, आई डोंट नो. फहीम, आर यू रेडी? आई एम कॉलिंग यू. आई ट्राइड टू कॉल द पर्सन बिफोर मी, आई मीन बिफोर यू, बट उन्हें कॉल नहीं लगा, तो अब मैं आपको कॉल कर रही हूँ. आप ट्राई कीजिए. Business ideas for accountant. आप अपने accountant services as a professional offer कीजिए. So business idea कहाँ से आया my friend? जाओ जो आपके actual offers है उसे offer कीजिए, ताकि I can actually offer it. Yeah, I'm ready. फहीम, आपके actually बाजू में video का option नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको call नहीं कर पा रही हूँ. तो आप लोग प्लीज़ अपने मोबाइल से आइए, प्लस अपने ईयरफोन्स अपने पास रखिए, ताकि मैं आप लोगों को कॉल कर सकूं और आप लोगों को उसके हिसाब से हेल्प कर सकूं. डियर मिस, आई वांट टू आस्क दैट आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर इन द फ्यूचर, एंड द प्रॉब्लम इज दैट आई कांट थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज. हाउ कैन आई इम्प्रूव इन थिंकिंग ऑफ क्रिएटिव आइडियाज? वेल अली रेहान, आप कॉल पे आना चाहोगे तो मैं आपसे बात करूँ, या मैं आपसे यहाँ पर ही सलाह मशवरा दे दूँ, आप मुझे बताइए. मैंने आपको एक्सेप्ट किया हुआ है. मोहम्मद कासिम, मैंने आपको कॉल किया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया माय फ्रेंड. हमाज, अब मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आई होप आपका कॉल एक्सेप्ट होगा. कम ऑन पीपल, कॉल एक्सेप्ट कीजिए, ताकि हम एक्चुअली डिस्कशन कर सके एक दूसरे के साथ, और सब लोग उस डिस्कशन से वैल्यू एब्जॉर्ब कर सके. लवली पीपल, तो इनवाइट कर रही हूँ मैं, चेक इट आउट एंड एक्सेप्ट द इनविटेशन, ताकि आप कॉल पे आ सको लवली पीपल, ताकि मैं आप लोगों की
हेल्प कर सकूं। हमाज रॉफ, मैंने आपको इनवाइट किया हुआ है, इनवाइटिंग दिख रहा है मेरे तरफ से, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट कीजिए ताकि आप ऑन कैमरा आ जाए। टाइम बिजनेस विथ माई जॉब, आप कर सकते हो इनायत खान, आप ऑब्वियसली अपना बिजनेस अपने जॉब के साथ कर सकते हो, बिकॉज नॉट एन इशू अली, मैं आपको अभी एक्चुअली बताती हूँ, आपको आइडिया देती हूँ। तो अगर आपको अपना बिजनेस आपके हाउ कैन वी अर्न फ्रॉम मैनी वेबसाइट्स, फ्रॉम मैनी वेबसाइट्स कैसे हो सकता है माई फ्रेंड, आपको एक वेबसाइट पे फोकस करना पड़ेगा कासिम, ताकि आप एक्चुअली इन्वाइट मी अब्बास अली, वेन इट कम्स टू इन्वाइटिंग यू, आपके एक्चुअली बाजू में वीडियो का आइकन नहीं बना है, तो मैं आपको इन्वाइट नहीं कर पाऊंगी। अपने मोबाइल फोन से लाइव आइए ताकि मैं आपको इन्वाइट कर सकूँ। हु इज वेटिंग हमाज रॉफ, मैंने आपको इन्वाइट किया था माई लवली फ्रेंड, मैंने आपको इन्वाइट किया था, आई एक्चुअली इन्वाइटेड यू, मेरे तरफ से इन्वाइटिंग दिख रहा है ऑलरेडी, सो एक्सेप्ट द इन्विटेशन ताकि मैं आपको कॉल पे ला सकूँ। तो मैंने इन्वाइट किया हुआ है। हेलो रेहान, कैसे हो आप, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हाय। मैं एक्चुअली आज इन्वाइट कर रही हूँ लोगों को, बट देयर सम टेक्निकल डिफिकल्टी फ्रॉम फेसबुक एंड, सो लेट्स सी कैसे जा रहा है। हेलो लवली पीपल, प्लीज गिव मी एन आइडिया फॉर पार्ट टाइम बिजनेस। अनायत खान, पार्ट टाइम बिजनेस आपके स्किल सेट क्या है, क्या आप एक अच्छे कॉपी राइटर हो, या आप क्या अच्छे लोगों के लिए ब्लॉग्स लिख सकते हो, घोस्ट राइटिंग ऑफर कर सकते हो। अगर आप घोस्ट राइटिंग ऑफर कर सकते हो, तो जो अमेजिंग वेबसाइट्स है जहाँ पे आप एज अ फ्रीलांसर अगर पूरे महीने में या पूरे एक्चुअल एक दिन में एक आर्टिकल भी किसी को लिख के आपने सबमिट कर दिया, तो आपको पर आर्टिकल एवरी डे वैसे भी स्मॉल अमाउंट ही सही बट मिलने वाला है। तो यू कैन ऑलवेज वर्क एंड आप ऑलवेज पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो, वो आपको हेल्प आउट करने ही वाला है। हाउ मच फ्रॉम वन वेबसाइट मैम, प्लीज टेल मी, दैट डिपेंड्स, आप कितना एक्चुअली एफर्ट्स डाल रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, आप कितने वेबसाइट से कितना कमाते हो वो उस पर डिपेंड करता है। व्हाट्स योर बिजनेस सक्सेस स्टोरी, वेल मेरे बिजनेस की सक्सेस स्टोरी ये रहेगी, आई थिंक मेरे को भी यही लगता है कि देयर सम टेक्निकल इशू, बिकॉज मैंने जितने लोगों को अब तक यहाँ से कॉल सेंड किए हैं, किसी की तरफ से भी एक्सेप्ट नहीं आया है, तो देयर सीम्स टू बी अ टेक्निकल इशू। तो मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, लेट मी सी, बिकॉज इट्स फ्रॉम फेसबुक एंड मेरे एंड से नहीं है, इसके पहले भी मेरा नेट प्रॉपर चल रहा था, तो मैंने नेट चेंज किया ताकि मैं फिर से आ सकूँ। ओके हिनायत खान, मैंने आपको इनवाइट सेंड कर दिया है, प्लीज इनवाइट मी, आई वांट टू टॉक रिगार्डिंग ईआरपी सिस्टम। मैंने इनवाइट किया हुआ है गाइस, आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, आप कॉल पे आ जाएंगे, और फहीब आपके एक्चुअली पास में वो वीडियो वाला आइकन नहीं आ रहा है, इनवाइट मी इन। ओके रेहान, आई हैव इनवाइटेड यू, मैंने आपको इनवाइट किया हुआ है रेहान, लेट्स सी, मैंने आपको इनवाइट किया हुआ है ताकि ओके कनेक्टेड। नमस्ते, कैसी हैं आप? बस बढ़िया। तो इनविटेशन के अंदर नॉर्मली प्रॉब्लम ही होता है कि लोगों का, क्योंकि आप साइडवेज कर रही हैं, तो लोगों का जो स्क्रीन है वो लॉक हुआ होता है, वो वर्टिकल लॉक लगा होता है उनके पास, तो उस वजह से वो ज्यादातर लोग अंदर नहीं आ सकते, नंबर वन। नंबर टू, उनका फोन थोड़ा हल्का होता है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है, तो अगर उनके पास आईफोन है तो आप उनको आराम से इनवाइट कर सकती हैं, कोई भी मसला नहीं होता, या कोई नया वाला फ़ोन है तो हो जाता है। जितने भी लोग आप यूं जब ब्रॉडकास्ट करेंगी तो तकरीबन 80% लोग आ जाएंगे, और यूं करेंगी तो 50% गायब हो जाएंगे, 50% आ जाएंगे, तो चलें जो आ सकता है आ जाए। तो आप जब भी किसी को पूछें तो उसको बोलें अपना फ़ोन बताओ कि तुम्हारा फ़ोन कौन सा है, और उसके बाद आप इनवाइट करो। तो इट्स गोइंग टू गो अवे इन 3-4 मंथ्स, जब हम इसको करते रहेंगे तो लोगों को अभी करना भी नहीं आता, डरते भी हैं, आधी तो हवा खराब हो रही होती बटन दबाते हुए, तो वो ठीक हो जाएगा। अभी हमारे साथ जो है दो बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं, एक अभी डांडिया हैं, आप शायद पता नहीं जानती, वो डैलस में रहते हैं और हीरो का काम करते हैं,
एक उनको इनवाइट कीजिए और दूसरा काजी मुंह है वो कश्मीर साइड से हैं इंडिया के, उनको आप इनवाइट करें. और थर्ड ये कि ये लिख रहे हैं कोर i7 जिसके पास भी लैपटॉप है आप उसको इनवाइट नहीं कर सकती, सिर्फ मोबाइल पे इनवाइट कर सकते. तो जो लोग मोबाइल से देख रहे हैं उनके लिए, जो लोग कंप्यूटर से देख रहे हैं उनको हम बता दें कि आपको हम इनवाइट नहीं कर सकते, और जो आप लोग यहाँ बैठे हुए बाकी उनको हम इनवाइट कर सकते हैं. एक्चुअली वो जैसे कि आपने, हाँ बताइए, एक्चुअली आपने जो बताया था वो एक ग्रीन कलर का आइकन आता है, तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को इनवाइट कर सकती हूँ जिनके एक्चुअल प्रोफाइल पिक्चर के बाजू में वो ग्रीन आइकन आता है. बिल्कुल ऐसे ही. तो फेसबुक अभी तक ये चेक नहीं करता कि आप यूं पकड़े हुए हैं यूं पकड़े हुए, तो अगर आप लोग यूं पकड़े हुए हैं तो देन यू कैन इनवाइट. हिशाम सर्वर को जानती हो आप? नहीं. हिशाम सर्वर भी अभी आ गया, उसको भी आप लाइव ले लें, वो भी आपके साथ बहुत मजा आएगा आपको गप्पे लगाने में उसके साथ भी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर. फजल अल्लाह वाला को बुला सकती हैं, ये मेरा नेफ्यू है. हिशाम सर्वर एक्चुअली लैपटॉप से है क्योंकि उनके वहां पे ग्रीन आइकन नहीं दिख रहा है. ठीक हो गया. जुबैर इलियास, मैं आपको बड़ी खुशी से आईफोन गिफ्ट कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान काम है. आपने सिर्फ मेरे 500 दोस्तों को ऐड करना है और उनके साथ में 50 इंटरव्यू करने हैं. मैं आपको आईफोन आपके घर पे भिजवा दूंगा, आप फिक्र ना करें. पहले अपने आप को बदलें, थोड़ी मेहनत करें और फिर भिखारी बने, उसके बाद आपको चीज गिफ्ट मिलेगा, भीख नहीं मिलेगी. तो अगर आप गिफ्ट लेना चाहते हैं तो ज़रूर मिल जाएगा. ऐसे ही आप मुझे भेज दें प्लीज़, तो मेरे लिए मुश्किल होगा भेज. Indeed, indeed, definitely. और इस हफ्ते बम्बई में क्या क्या हंगामे किए आपने? मैंने तो कुछ नहीं, अभी मैं एक्चुअली यहाँ पे ऑफलाइन इवेंट्स होस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. तो मतलब जैसे सिर्फ अब तक ऑनलाइन काम कर रही थी और पहले ऑफलाइन सिर्फ बड़े कॉर्पोरेशंस के साथ काम कर रही थी, तो अभी देख रही हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स हुए या बाकी जो इवेंट्स रहते हैं वो होस्ट करने के लिए अभी कोलैबोरेशंस या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उन लोगों से बातें चल रही है मेरी, देखते हैं. जबरदस्त. तो किसी फिल्म में आपने इस हफ्ते हीरोइन का काम नहीं अदा किया? नहीं. हैं, क्यों भाई? शाहरुख को बोलो ना भाई, शाहरुख भाई फिल्म हिट करानी है तो मेरे को बुलाओ. अब क्या करें, शाहरुख बहुत बिजी है. अच्छा, ये हमारे साथ मोहम्मद अहमद अमीन भी हैं और ये एक वाइस चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी के, आप इनको भी इनवाइट कीजिए. और ये 6000 स्टूडेंट इनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आप इनकी यूनिवर्सिटी में रिमोट लेक्चरर का काम भी कर सकती हैं एंड इनके साथ बात करें तो यू कैन क्रिएट वंडरफुल अलायंस विद हिम, क्योंकि इनके बच्चों को सख्त ज़रूरत है मेंटरशिप की. तो अहमद भाई, आप अगर इजाज़त दें तो आप आ जाएं. और फिर हमारे एक और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अली दादू वाला, ही इज़ हेयर, इनको भी आप इन्वाइट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हो गए वैसे. फरहान भाई फिल्म आप बना लें. संदीप, मैंने एक फिल्म बनानी है जिसके अंदर हमें स्कूलिंग पढ़ानी है, तो उसके अंदर गाने ऐसे होने चाहिए कि लोगों को ABCD और अलिफ बे ते आ जाए, और ऐसे गाने होने चाहिए जिसमें उसको साइंस समझ में आ जाए कि छोटी मोटी साइंस किस तरह से काम करती है. ऐसे सीन होने चाहिए कि वो बाकायदा 3 साल की एजुकेशन एजुकेशनल होनी चाहिए ना बेसिकली, क्योंकि जब कोई आए एंटरटेनमेंट होनी चाहिए लेकिन उसको पता भी नहीं चले उसको सब कुछ आ जाए. जैसे फॉर एग्जांपल 3 Idiots जो है वो बहुत कुछ सिखाती है, लाइफ स्किल सिखाती है, बट वो पता नहीं चलता कि आप लाइफ स्किल सीख रहे हैं, लेकिन आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है. इसी तरीके से जो इस तरह गुरु है वो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या सीखा है. तो इसलिए अच्छा होगा कि अगर इस तरह की हम फिल्म बनाएं, क्योंकि बच्चे फिल्म खुशी से देखते हैं और ड्रामे खुशी से देखते हैं, लेकिन उनको ये पढ़ने के लिए बोलो तो वो ज़रा तबीयत ख़राब हो जाती है. सो आपने मुझे मोहम्मद अहमद अमीन को ऐड करने को कहा था, राइट? हाँ हाँ जी. तो उसको आप बुलाइए. अहमद, आप रेडी हैं अंदर आने के लिए? तो बताइए, जाके सुष्मिता आपको अंदर ले लें और आप उनके साथ गप्पे लगाएं और बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप पाकिस्तान के यंगेस्ट वाइस चांसलर हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, ना? He's 29, he's a vice chancellor of a university. तो या वेरी इम्प्रेसिव.
और रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, खुद टोरंटो में रहते हैं और यूनिवर्सिटी कराची में चलती है, तो वो एक और इम्प्रेसिव चीज है. तो ही इज रेडी टू कम इन, इनवाइट हिम इन. चलें, ठीक है. डेफिनेटली. सो गाइस, हमारे साथ एक और नए गेस्ट आने वाले हैं जिनका मैंने इनविटेशन सेंड कर दिया है. तो लेट्स सी किस तरह आगे आगे बातें जाती है. जबरदस्त, यू स्टैंड मिस्टर रेहान अलवारा. यस ही इज राइट. हेलो लवली पीपल, एंड मैंने आपको इनविटेशन भेजा माय फ्रेंड. तो हो, हेलो, हेलो, हाय, कैसे हो आप? हेलो. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे. अच्छी बात है. तो आपके बारे में बताया थोड़ा बहुत. हाँ, बताइए. क्या? सॉरी. एग्जैक्टली. आपका इनविटेशन कुछ नहीं. अच्छा, आपका, आपको मुझे, आई मीन मेरा इनविटेशन नहीं मिला, तो फिर आप एक्सेप्ट कैसे हुए यहाँ पे? बिकॉज मैंने आपका एक्चुअली इनवाइट सेंड किया था. अभी मैं रेहान भाई का पेज देख रहा था, उनकी चैट देख रहा था आपके साथ. अब वो लाइव आ रहे थे और आप नहीं आ रही थी. मुझे पता नहीं मैंने कैसे, आपने मुझे वो कर दिया. एक्चुअली मैं उनके पेज पे एज एन एडमिन या मॉडरेटर हूँ, तो उनके पेज पे से मैं वो बन के ही लाइव गई हुई हूँ एक्चुअली. तो मेरे उन्हें इनवाइट किया था, तो वो एक्चुअली चले गए अपने प्रोफाइल से, तो फिर मैंने आपको इनवाइट किया. ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट. इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या चक्कर है. एनीवेज, माय नेम इज मोहम्मद. आई एम, आई बेसिकली बिलोंग टू कराची पाकिस्तान, बट लिव इन टोरंटो कनाडा. And we run an educational university known as Indus University. It's basically chartered by the government of Sindh and recognized by the Higher Education Commission. And it's been running since 12 years now. And oh, nice. I've been seeing your videos. You've been telling a lot of entrepreneurial strategies to many of the followers here on Facebook, and it's nice that you're telling them. So aap khud kya karti hain? What do you do on your own? I'm from Mumbai, right? Yeah, I'm from Mumbai and I'm a business strategist actually. So by qualification, I am an engineer who has transformed herself to become a business strategist. So right now, like 6 years, I have been talking Urdu and Hindi only. Okay, Rehan. So, main Hindi mein baat karti hoon. So, actually, main ek business strategist hoon. Aur maine shuruaat ki thi, kyunki main as qualification, jaise ki maine aapko bataya, main ek engineer hoon. Phir uske baad, jab main apna engineering kar rahi thi, to jo actually India ki problem hai, jab hum engineering kar rahe hote hai, tab hum actually realize karte hai ki hume banna kya hai, hum karna kya chahte hai. Just like in Three Idiots, फरहान कुरैशी को भी इन दी एंड पता चलता है कि ही वांटेड टू ऑलवेज बी अ फोटोग्राफर. तो मेरे को तब रियलाइज हुआ कि मुझे मार्केटिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी, इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है. तो तब से, व्हेन आई वाज अराउंड से इन सेकंड ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग, तब से मैं बिजनेस स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, ये सब चीजों के बारे में पढ़ा, सीखा. सो आई एम अ सेल्फ लर्न पर्सन. और 6 years आई हैव वर्क्ड एज एन एक्चुअल पर्सन हु इज जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज. और एक साल से मैं इनटू मेंटोरिंग भी हूँ. सो आई हैव माय ओन स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स, जिन्हें मैं एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्ट्रेटजी, कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ. प्लस मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं अराउंड द ग्लोब काम भी करती हूँ. अच्छा, अब मुझे तो बिजनेस नहीं करना है, मुझे तो एक्टिंग करनी है. ओह, ओके. नहीं, एक्टिंग एक्चुअली ऐसी चीज है जो एक्चुअली सबको थोड़ी बहुत करनी रहती है, और सब थोड़े बहुत ड्रामेटिक भी होते हैं. जैसे अगर मुझे आप पेरिस्कोप पे वगैरह देखोगे, तो मैं वहाँ पे अपनी ड्रामेटिक स्किल्स, सिंगिंग स्किल्स भी दिखाती रहती हूँ. क्योंकि सिर्फ अगर हम काम की बातें करेंगे तो जो ऑडियंस है वो बोर हो जाती है, तो उनको थोड़ा बीच बीच में रिफ्रेशमेंट भी चाहिए. तो मे बी आप, अगर आप भी लाइव स्ट्रीम करते हो, तो थोड़ी अपनी एक्टिंग को वहाँ पे एक्चुअली यूज कर लीजिए और ऑडियंस को मजा आ जाएगा. नहीं, मेरा मकसद कहने, मतलब मेरा कहने का ये था कि मुझे जो है वो मूवीज में काम करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो है ना मेरा ये एक टैलेंट है
जो मैंने छुपा के रखा हुआ है और कभी मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है. तो व्हाई नॉट इफ आई वर्क इन मूवीज एंड यू नो बी अ पार्ट ऑफ द ग्लैमर इंडस्ट्री मे बी, बिकॉज मुझे अब बिजनेस करने का कोई जो है ना शौक नहीं है. सच बात में आपसे पूछो, मुझे बिजनेस आता भी नहीं रहा. नहीं मतलब आफ्टर माय ब्रदर्स डेथ, माय ब्रदर डाइड 3 months अगो ड्यू टू अ सडन हार्ट अटैक एंड आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड यू नो. एंड मतलब मुझे जो है, सॉरी मैं इंग्लिश में, ये ऐसे इंग्लिश में क्यों नहीं हम बात कर सकते? एक्चुअली द रीजन इज बिकॉज मैं मोस्टली सारे अपने जो भी लाइव स्ट्रीम्स रहते हैं वो इंग्लिश में देती हूँ, बट रेहान ने कहा कि बिकॉज मोस्टली अपने जो रीजन के लोग हैं उन्हें हिंदी ज्यादा समझ में आती है, तो उन्होंने कहा हफ्ते में एक बार एक स्ट्रीम हिंदी में रखते हैं. तो मैंने कहा ठीक है, आपके आपके पेज से हिंदी में लाइव स्ट्रीम्स करेंगे, इसलिए तो ओके ओके. या सो एवरी वीक ये एक स्पेशल लाइव स्ट्रीम है. जब मेरे भाई की डेथ हुई तो जो है ना, आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड एंड आई सेड कि यार लोग हम किस लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बट वी हैव टू यू नो गो इनटू आवर, हमें अपनी कब्र में ही जाना है. मतलब हम लोग कब्रिस्तान में भी यू नो दफना देते हैं. तो फिर हम क्यों इतना कर रहे हैं बस यू नो. फिर देन आई बिकेम वेरी रिलीजियस यू नो. और मैं जो हूँ वो बस मेरा अब ये दिल करता है कि जो है ना, मेरे पास जो मेरी जिंदगी रह गई है वो मैं अपने बच्चों के साथ खुशी से गुजार लूँ, बगैर स्ट्रेस के गुजार लूँ. और ना क्योंकि मुझे ऐसा ना, मैं आई गॉट ऑफ फ्रॉम बिजनेस. मैं काम मतलब जो है ना वो मैं दिल नहीं करता था कोई बिजनेस करने, क्योंकि कोई 10 करोड़ कमाए, 50 करोड़ कमाए, 500 करोड़ कमाए, जो भी करे उसने खानी तो वही रोटी है ना घर में. डेफिनेटली ठीक है ना. तो मेरा जो है ना बिजनेस से, एंटरप्रेन्योरशिप से दिल उचाट हो गया. एंड फिर जो है मैं आपको बताऊं कि हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी हायरिंग्स करते हैं, मगर मैंने ये देखा है कि जो है ना, अब जो बच्चे रिसेंटली ग्रेजुएट होकर आते हैं ना, वो अपना क्या कहते हैं, उनको काम सीखने में ही 5-6 साल लग जाते हैं. बिकॉज उनको यही नहीं पता होता कि जैना भाई हमने करना क्या है, क्या होना चाहिए, किस तरह से काम होता है. और इट्स प्रोबेबली बिकॉज यू नो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड क्वालिटी एजुकेशन आई गेस मे बी, एंड प्लस एक्सपीरियंस भी इतना जो कॉलेजेस में या जो भी यूनिवर्सिटीज में सिखाया जाता है उससे थोड़ा काफी चीजें अलग चल रही होती है जो रियल लाइफ में यूज हो रही होती है. जैसे जब मैं पढ़ रही थी तो वो टाइम पे ASP.NET सिखाया जाता था वेबसाइट्स क्रिएशन के लिए, जबकि हम यूज करते हैं वर्डप्रेस, स्क्वेयरस्पेस, तो विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ASP.NET. सो देयर इज एन एंटायर यू नो चेंज कि बाहर की दुनिया में यूज क्या हो रहा है और एक्चुअली when it comes to जो पूरा सिलेबस है उसमें सिखाया क्या जा रहा है. तो अपग्रेड और लेटेस्ट चीजें सुष्मिता, सॉरी टू कट यू डाउन, एक किसी कोई, देयर इज समवन ऑन द डोर, कैन यू एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट प्लीज. डेफिनेटली श्योर. सो शुड आई कट इट डाउन और शुड आई कीप द फोन ऑन समवेयर एंड कम बैक? नो जस्ट कीप इट राइट देयर एंड कम बैक इन अ मिनट. दैट विल बी, I'm just coming in 1 minute. Definitely, okay? Definitely. तब तक मैं बाकी लोगों से बात करती हूँ. Okay. So yes, guys, आप लोगों को discussion कैसा लग रहा है? अपने friends को invite करना मत भूलिए और stream को share जरूर कीजिए, guys. Stream को share जरूर कीजिए ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं. बहुत deep rooted discussion है ये और आपके questions यहाँ जरूर दीजिए नीचे कमेंट्स में ताकि हम लोग रिप्लाई कर सके. और प्लस नेक्स्ट वीक आप लोग क्या चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेशल टॉपिक पे बात करूं या हमारा ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन? यू कैन इनवाइट माय अंकल. ओके सो लेकिन इनके साथ डिस्कशन खत्म नहीं हुआ रेहान, तो मैं इन्हें कट ऑफ नहीं करना चाहती. तो अगर हम एक मिनट रुक जाए, इनका डिस्कशन कंप्लीट करें एंड फिर देखते हैं.
बिजनेस टॉक करें प्लीज. वेल बिजनेस टॉक ही कर रहे हैं माय फ्रेंड, थोड़ा एक्चुअल फिजिकल इमोशनल टॉक भी जरूरी होता है. स्टार्टअप से रिलेटेड कोई टिप्स बता दीजिए. वेल स्टार्टअप से रिलेटेड आपको अगर टिप्स चाहिए तो सबसे पहली बात ये समझिए स्टार्टअप्स के लिए कि अगर आप शुरू कर रहे हो तो बहुत सारे स्टार्टअप्स को अपनी यूएसपी नहीं पता होती. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो बाकी लोग मार्केट में हैं उनसे आप कहाँ अलग हो, और वो आपको आपका बिजनेस आगे लेके जाने में बहुत मदद करेगा. राइट, ऑसम. हेलो अहमद, थैंक्स फॉर कमिंग बैक. Yes, there was some, you know, guy from Amazon maybe, or फिर वो knock कर रहा था. He's not ringing the bell. I don't know why, but yes. So what were we talking about? We were talking about you were sharing your experience, like why are you feeling cut off from entrepreneurial world, and the difference between what is thought taught actually academically and what's actually available out there. The problem is actually, you know, that I've lost hope in people. Ke jo hai na wo log jo hai na wo entrepreneurship ki to baat bahut jagah karte hain. I have seen a lot of numerous amounts of conferences around the globe on entrepreneurship, business ideas, XYZ. I don't know how many, but mera ye sawal hai, un conferences ka fayda kya hota hai? वो बस लोग अपने अपनी रिसर्च पेपर पढ़ते हैं और देन दे यू नो एवरीवन फॉरगेट्स. लोग भूल जाते हैं कि जो है अपना क्या कहते हैं, पीपल फॉरगेट अबाउट देयर प्लान्स, देयर स्ट्रेटजीज. क्या कर क्या फायदा इन कॉन्फ्रेंसेस का जब कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई प्रैक्टिकल रिसर्च नहीं है. तो अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन लोग जो है वो बहुत सारे स्टार्टअप्स करना चाहते हैं. रेहान भाई ने किया था कि 25,000 रुपए में आप जी फ्रेंच फ्राइज का ठेला वो कर लें, खोल लें. तो आप स्टार्टअप था तो एक अच्छा इंसेंटिव इन्होंने दिया लोगों के लिए के भाई वो आप 25,000 में एक आलू का चिप्स का ठेला शुरू कर सकते हैं, और मतलब लोगों को स्टार्टअप देने के लिए. बट पता नहीं, लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि स्टार्टअप्स जो है वो फेलियर की निशानी है. फिर लोग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं, और कि आप टेक्नोलॉजिकल कोई इनोवेशन करें, उस पर कोई स्टार्टअप ले लें. और अब तो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जमाना है, एंड पीपल आर मोर टूवर्ड्स यू नो बिल्डिंग अप दिस एंड्रॉयड एंड आईओएस एप्स टू एक्चुअली ब्रिंग इन समथिंग यू नो व्हाटएवर दे हैव इन माइंड. तो खैर ये तो बिजनेस की बात है. मेरे हिसाब से तो होना तो ये चाहिए कि बस मेरी अपनी सोच अब ये है कि बस इंसान इज्जत की दो वक्त की रोटी खा ले, एंड एक नॉर्मल सी सिंपल सी जिंदगी गुजार ले. यहाँ पर सब कुछ रह जाना है. वी ऑल हैव टू डाई वन डे, एंड हम लोग को एक दिन सबको मर ही जाना है. तो फिर अब क्या करें, बस अब जितना कर सकते हैं कर रहे हैं. मतलब जो है ना, अब आई एम मोर टूवर्ड्स माई रिलीजन, एंड आई फील वेरी कम्फर्टेबल इन यू नो, आई फील मोर रिलैक्स्ड. मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. अब मैं क्या बिजनेस की बात लोगों को क्या सिखाऊं? ठीक है, लोगों को मेरी तरफ से कुछ सीखने को मिलेगा तो इट विल टर्न इन टू विजडम, बट वो लेकिन अब मैं कितना मैं भी करूं. खैर आप लोगों की कोशिश में मैं भी अपना कोई ना कोई पार्ट तो प्ले कर सकता हूं, और मैं मेरी लोगों को ये नसीहत होगी. मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, मगर मैं ये समझता हूं कि ये जो किताबों में एचआर की, फाइनेंस की, मार्केटिंग की जो बातें लिखी होती है ना, ये कुछ गलत भी होती हैं. और पता है आपको कि एक ग्रेजुएट होता है ना, उसके जहन में क्या होता है, उसके दिमाग में क्या होता है? उसके दिमाग में ये होता है, यार मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, अभी मुझे एक नौकरी मिलेगी,
उसमें मुझे फलाने फलाने बेनिफिट्स मिलेंगे, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, पेट्रोल मिलेगा, बिल्स के पैसे मिलेंगे. बस वो बंदा पर्क्स और बेनिफिट्स के चक्कर में फंस जाता है और फिर लोग ये कहना शुरू करते हैं कि भाई एचआर पॉलिसी और फलाना धमाका. भाई आई एम अ पठान गाय, मुझे नहीं पता. मैं $100 के नोट को 100 ही बोलूंगा, 10 10 10 10 10 नहीं बोल सकता. मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि आप मेहनत से, स्क्रैच से कुछ करना सीखे ना. लोग होते हैं, मेरी ये बिलीव है कि जो है ना, व्हाट यू डू फ्रॉम स्क्रैच, आप जो स्क्रैच से करते हैं वही चीज आपको इंटरनली ग्रो करती है. अगर आप किसी चीज के ऊपर जाकर लग जाएं, मिसाल के तौर पे आप कोई बिजनेस है उसको खुद चलाना शुरू कर दें, तो वो बिजनेस तो ग्रो हो जाएगा मगर आपकी इंटरनल ग्रोथ नहीं होगी. यू विल बी लाइक एन एम्प्लॉय टू दैट, राइट. मेरे फादर ने अगर यूनिवर्सिटी बनाई है तो उनकी ग्रोथ है, यू अंडरस्टैंड. अगर मैंने उसमें अपना हिस्सा दिया है तो दैट इज माय इनपुट. मेरी कोई ग्रोथ नहीं है उसके अंदर. मेरी ग्रोथ तब हो जब मैं कुछ जैक मा की तरह कर सकूं या जेफ बेजोस की तरह कर सकूं. ग्रोथ तो इन लोगों की हुई है, सही है ना. तो अब मसला ये है कि अब ऐसे लोग रोज रोज तो पैदा नहीं होते. बट अगर आप एक्चुअली, जैसे अगर हम अलग तरीके से, मैं सुष्मिता, I'll cut you down. I'm sorry to cut you down. But मैं यहाँ पर लोगों को जानता हूँ, ठीक है ना. उनको कनाडा के अंदर they work 85 hours a week on a minimum wage of $10 an hour, ठीक है ना. $10 एक घंटे पर वो काम करते हैं और वो कहते हैं हम 80 घंटे काम करते हैं वीक के. 80 घंटे वीक के काम करना बहुत होते हैं, आपको भी पता होगा. वरना तो लोगों का बस we work 40 hours a week 9 to 5 और फिर जो है वो हम क्या कहते हैं, बस हम घर जा रहे हैं, हमसे और काम नहीं होता है. मैंने ये देखा है एज एन एम्प्लॉयर भी, लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता. बस ये होता है कि बस हम अपना चेक तोड़ें, तनख्वाह निकालें एंड दैट्स इट. मुझे, आपको मैं बताऊं, जो करने वाला बंदा होता है ना वो जिद्दी होता है, वो कर जाता है, सही है ना. फेयर इनफ, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात अलग जरूर है लेकिन सही है ना. साफ सच जो होता है ना वो इंसान के हलक से ना नीचे नहीं जाता है, चाहे वो मैं खुद भी क्यों ना हूँ. मैं आपसे तो झूठ बोल सकता हूँ मगर अपने जमीर से झूठ नहीं बोल सकता मैं, ठीक है ना. और तब मैं कहता हूँ यार कि when I cannot, मैं अपने अल्लाह से कोई चीज नहीं छुपा सकता तो मैं इंसान से छुपा कर क्या करूंगा. और अपना क्या कहते हैं, मायूसी की भाई कोई बात नहीं है. ये पता नहीं लोग क्या लिख रहे हैं इसके ऊपर, मेरे पास टाइम भी नहीं है पढ़ने को. मैं इनका पढ़ूं या आपको, आपसे बात करूं. और मेरे हिसाब से जो है वो जो हमारा एशिया पैसिफिक का रीजन है, अब इट्स टू हाईली पॉपुलेटेड और लोगों को बाहर आना चाहिए और बाहर काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए. आई थिंक कैनेडा इज अ ब्यूटिफुल कंट्री and it has many opportunities over here. People don't like the harsh weather over here, but I like it. It's like -8 right now, it's in the winter time. Yeah. Abhi is waqt mein it's going to be like -23. Oh my, risk to milna hai, so not to worry, just work hard and leave remaining on Allah. Yes, Allah ne risk ka vaada kiya hai aur uski to kabhi maine parwah nahi ki hai. पैसा नहीं चाहिए मुझे जिंदगी के अंदर. आई वॉन्ट यू नो, सुकून चाहिए, लोगों की मैं मदद करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर अल्लाह ताला ने पैसा दिया कभी जिंदगी में, तो मैं चाहूँगा कि मैं उन लोगों की मदद करूँ जो इस तरह के स्टार्टअप बिजनेसेस करना चाहते हैं. मैं आपसे सुष्मिता एक बात बोलूँ, आई डोंट बिलीव, मैं नहीं समझता हूँ कि ये स्टार्टअप बिजनेस और ये सब, ये स्टार्टअप है ना, ये जो वर्ड स्टार्टअप है ये लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को बहुत इससे खुशी महसूस होती है. यार हम तो स्टार्टअप में घुस रहे हैं और हम तो पता नहीं अब क्या करने वाले हैं. लोगों
का जब तक यहाँ से ये चीज जो है ना, सारी चीज हमारी यहाँ पे, यहाँ से बंदा सही हो जाए ना, तो वो उसके ड्रीम्स भी शैटर नहीं होते, और वो फिर एग्जैक्टली कोई भी बिजनेस हो, की बात होती है ना, उनका बिजनेस वो कर लेता है वो बिजनेस, सही है ना. Right. अभी मैं सोच रहा था, एक डैपर डोनट एक है, फ्रेंचाइज है, इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी, डोनट्स बनाती है. तो मैं उसका बिजनेस करने का सोच रहा था कि यार मैं थोड़ा ना उसका सोचता हूँ कि यार क्या हुआ, वो उसका एक वो नहीं होता, कार्ट होता है, मूविंग कार्ट होता है, तो वो Yeah, चलाने का मैं सोच रहा था कि एक मूविंग कार्ट और $12 के वो मिलते हैं, डोनट्स बिकते हैं. तो यार ट्राई करके देखता हूँ, हो सकता है हो जाए, लेकिन फिर हिम्मत ही नहीं बनी. मैंने कहा हिम्मत हार गया मैं आखिरी मोमेंट पे, तो फिर मैंने उनको रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं कर सकता ना, वरना इट वाज अ मिनी. और मुझे मैंने मैं तमाम जो व्यूअर्स हैं उनको कहता हूँ कि मैंने आपकी एक दफा चैट पे लिखा भी था और आपने कहा था ऐसा, आपने डिसएग्री किया था उससे. मैं तमाम व्यूअर्स से ये कहता हूँ जो भी देख रहे हैं दुनिया से, दुनिया में किसी को बिजनेस करना है, वो बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मदद लेके बिल्कुल ना करे. कभी भी बरकत नहीं होगी, हो ही नहीं सकती बरकत, मेरा ये फर्म बिलीव है. और के सूद, वी कॉल इंटरेस्ट को हम सूद बोलते हैं उर्दू में, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस सूद टर्मिनोलॉजी. सूद बर्बादी है, बिल्कुल मत कीजिएगा सूद पर, काम तो करना ही नहीं है, चाहे आपको भूखा भी क्यों ना मरना पड़े. एंड बिजनेस जो भी, वही बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है के जो सूद के बगैर चले, और उसमें बरकत होगी अल्लाह ताला की तरफ से. और ये इंटरेस्ट ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है, तमाम इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पाकिस्तान में बेड़ा गर्क हो चुका है, और वो क्यों, क्योंकि वो बड़ी बड़ी मिल्स ने बैंकों से पैसे लिए हुए. तो मैं इस बात का फर्म बिलीव करता हूँ कि सूद पर कारोबार नहीं सक्सेसफुल हो सकता. आप मुझसे ना इत्तेफाक करें, मगर मैं आपको बताऊं, मैंने इस चीज को आजमाया है, आई हैव सीन इट. मेरा यार ये when it comes to interest, जो when it... जो हमारी कुरान में जो बात लिखी है, इट इज सो ट्रू. So when it comes to interest, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं 29 साल का हूँ सुष्मिता, मगर मैं अपने आप को जाहिल समझता हूँ. आप मुझे वाइस चांसलर कहकर बहुत इज्जत दे रही होंगी, आपकी मेहरबानी, या रेहान भाई इज्जत दे रहे होंगे, उनकी मेहरबानी, बट मैं समझता हूँ कि मेरे पास तो यार कोई नॉलेज ही नहीं है. मेरी 2 महीने के अंदर जिंदगी बदल गई है, आप बता नहीं सकते. मैं ये था, मैं ये हो गया हूँ. एंड मैं कहता है मुझे तो बहुत सारी बातों का इल्म ही नहीं था, मुझे तो बहुत सारी बातों का मालूम ही नहीं था. आप देखें साइंस, मेडिसिन, इट इज ऑल हाइपोथेसिस, ये सब हाइपोथेसिस है. ये जो मेडिसिन है, मेडिसिन साइंस है, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, ये सब हाइपोथेसिस है. आज कल एक न्यूज थी कि देयर इज अ कैनेडियन पीएचडी स्टूडेंट जिसने कैंसर सेल्स को ग्रो करने, जो बॉडी में इंसान के कैंसर सेल्स ग्रो होते हैं, उसको रोकने का कोई सोल्यूशन निकाल लिया है. एंड इट वाज ऑल ओवर द न्यूज ओवर हियर, मतलब सीटीवी न्यूज, हर जगह ना उस पर वो था कि यार ये, मतलब एक रिसर्च थी ना जो इस तरह मीडिया पे बाहर आई. तो मैं आपको बताऊं कि हमारे, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा टॉपिक से इधर जा रहा हूं, लेकिन आई वांट टू स्पीक आउट माय हार्ट, यू नो, एंड बिकॉज मुझे मुझे मैं किससे बात करूं, ऐसी भी आपसे ही कर लेता हूं. तो खैर, तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम आर रिलीजन, और अपना क्या कहते हैं, बहुत सारी हमें चीजें हैं जो मेडिकल साइंस अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो चुका है. मतलब आप देखें ना कितनी साइंस तरक्की कर रहा है, कितनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रहा है, लेकिन आज तक साइंटिस्ट या वो उस तरह उस नहस पर, उस चीज पर नहीं पहुंच सके हैं.
Because evolution भी तो हो रहा होता है ना, evolution भी हो रहा है अपने. Yes, मैं आपको बताऊं, ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया is actually controlled हमारे belief के मुताबिक, ठीक है ना. मैं किसी के belief को वो नहीं कर रहा हूँ बेटा, मायूसी की बात नहीं कर रहा हूँ. आपको सच बात अच्छी नहीं लगेगी तो आप मत देखें. तो ये दुनिया वैसे तो हमारे बिलीफ के मुताबिक अल्लाह ताला चला रहा है, बट देर आर पीपल हु यू नो दे रन ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड. दे आर एक्चुअली यू नो दे हैव द मनी पावर एंड एवरीथिंग. और अब आपने देखा होगा कि मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं, नोन एज बिटकॉइन एंड फलाना धमाका कॉइन. ये सारी चीजें अब बिटकॉइन, अब ये क्रिप्टो करेंसीज आई थिंक वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग. बैंक्स, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये सब चीजें जो हैं वो खत्म होने वाली हैं और ये सब कयामत की निशानी आने वाली है. मेरे हिसाब से जो है ना, इतना कंपटीशन हर इंडस्ट्री में हो गया है, हर सेक्टर ऑफ बिजनेस में हो गया है. आप मुझे सुष्मिता बताएं, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, ठीक है ना. मैं $15,000 की यहां पे नौकरी कर रहा हूं, ठीक है. अब आप मुझे बताएं क्या मैं बिजनेस करूं कनाडा में, बता दें मैं क्या बिजनेस करूं. मैं करना चाहता हूं बिजनेस बैंक से लेके, नहीं करूंगा. हां तो बैंक से लेके करने की, सुनिए, बैंक से लेके करने की जरूरत भी नहीं है. मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था 7 years ago, मेरे पास भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे. मेरे घर वाले नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास जो होते हैं वैसे ही थे. तो मैंने सर्विस बेस्ड एक्चुअली अपना बिजनेस शुरू किया. सर्विस बेस्ड बिजनेस में आज के टाइम पे क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसे तुम एक्चुअली दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हो. और धीरे धीरे अपना इंफॉर्मेशन, पहली बात तो खुद को भी इस चीज के लिए रेडी होना चाहिए कि तुम हर चीज नहीं जानते हो. जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हें दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उस चीज से रिलेटेड सब पता है, दैट्स डन. सब वहीं पे खत्म हो गया. क्योंकि अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो उसके आगे एवोल्यूशन नहीं है. आज तक पूरा अर्थ भी हमें ढंग से नहीं पता, अर्थ पे क्या है क्या नहीं, कौन से मिनरल्स है, कौन से स्पीशीज है. बिकॉज अर्थ इवॉल्व हो रहा है, उसी तरह ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, बिजनेस इवॉल्व हो रहा है. जिस तरह बिजनेस होता था 10 साल पहले और आज, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. तो आपको किसी को भी, और मुझे बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं किस तरह बिजनेस करूं. वेरी सिंपल, स्टार्टअप मत कहना. मैं भी, मुझे भी ये वर्ड स्टार्टअप, पैशनप्रेनर, मॉमप्रेनर, वॉन्टप्रेनर, बहुत सारे टर्म्स है, फैंसी टर्म्स जिसे हम कह सकते हैं, जो यूज होते हैं, जो मुझे भी पर्सनली नहीं पसंद. अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, सिर्फ ये समझो कि आप किस चीज में टैलेंटेड हो और अपने टैलेंट को शोकेस करना शुरू करो, दैट इज इट. और सर्विस बेस्ड बिजनेस बहुत ज्यादा ईजी है स्टार्ट करना, इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है. और रही बात बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेशन या कुछ आपको स्टार्ट करने हैं तो फिर आपको एनी विच वेज इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर दैट. नहीं नहीं, बड़ा बड़ा बिजनेस नहीं करना भाई, कौन सर की दर्द पालेगा. वैसे हमें छोटा सा बिजनेस करना है ऐसे ही ना, थोड़ा बहुत वो करने के लिए अपने आप को, थोड़ा ना क्या, चलो ठीक है, थोड़ा खेल कूद कर लिया, ये वो. ये नहीं करना बड़ा बिजनेस, की जरूरत क्या है करने की, और मतलब कोई जरूरत नहीं है इसकी. ये कुछ उबैदुल्ला खान साहब है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनकी बात सुन लें. यस ब्रो, उबैदुल्ला खान बताइए आप क्या कहना चाहते हैं. My friend and Fahim, आप किस चीज पे agree नहीं करते वो भी आप हमें बता दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप exactly किस चीज पे agree नहीं करते हैं. So guys, अपने comments लिखिए, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं. We are here to listen to you people, guys. हम लोग आपकी बात सुन रहे हैं. Salary brother Ahmed, सैलरी tax नहीं है. हाँ भाई, tax नहीं है सैलरी पे मेरे. ठीक है भाई, मैं तो जस्टिन ट्रूडो हूँ ना, मेरी सैलरी पे टैक्स थोड़ी हो. फहीम कह रहे कि ऐसे ही, फहीम कह रहे कि वो ऐसे फन मजाक उड़ा रहे, कह रहे तो वी कैन कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन. हाँ, तो बहरहाल
मैंने यहाँ पे बहुत सारे सेमिनार्स भी देखे हैं और सब चीजें की हैं और सब जो है ना, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, बट आई डोंट थिंक दैट ये सब चीजें जो हैं इतनी इजीली हैं, बिकॉज अब दुनिया एक नए मोड में जा रही है. जो बड़ी वो हैं वो किस तरह से करेंगी, और स्टार्टअप बिजनेस पता नहीं कैसे लोग चलाएंगे, क्योंकि मैंने तो बिजनेसेस यहाँ पर बहुत फेल होते हुए देखे हैं कनाडा के अंदर. डॉलर स्टोर्स लोग खोल लेते हैं, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं. अब मैं अब आप आपने कहा वो आपको जिस चीज का शौक है आप वो काम करें, तो मैं वो काम भी करने को तैयार हूँ भाई. मुझे तो शौक जो है वो एक्टिंग का है. मैं तो चाहता हूँ कि जो है ना वो कोई मूवी वूवी में काम करूं और कोई फिल्मों विल्मों में आ जाऊं, ये मैं सोच रहा हूं. तो आप ऑडिशंस पे ट्राई कर लीजिए, ऑडिशंस वगैरह आ जाऊं या कुछ. अब आई डोंट नो, अब देखें सुष्मिता क्या होता है क्या नहीं होता. हम आपकी वीडियोस देखते रहेंगे, आपसे सीखते रहेंगे, रियान भाई से सीखते रहेंगे और उनके 10 लोगों से सीखते रहेंगे. बट लेकिन अब ये तो एक ये जो एक कहानी फेसबुक पे चल गई है ना लाइव बात करने की सबकी, एक अच्छा शुगल मिला है, मजा आता है बात करने का लोगों से. यू लर्न अ लॉट फ्रॉम अदर पीपल एज वेल. बट रियान भाई अब बोल रहे हैं गिव ऑडिशन हियर. हाँ, मैंने अभी देखा. जी तो अब ऑडिशन यहाँ पे क्या दें रियान भाई, हम तो आई एम वेरी शैटर्ड बिकॉज ऑफ my brother's death. I'm you know I really don't want to do anything. maine kya matlab maine main aapko apni baat bata raha hu. I'm not here to main apna rona rone ke liye aapse baat nahi kar raha, but maine I matlab agar bande ne aise hi chale jana hai to phir fayda kya बिजनेस बिजनेस करने का भी. आखिरी घर तो कबर ही है, कोई कबर में थोड़ी कुछ लेके चला जाता है. तो बस अब ये है कि जो भी लोग भाई करें वो दिल से करें, मेहनत से करें, कोई कर सकता है तो करे. मैं अपनी बात करूं, मैं मुझसे नहीं होता बिजनेस, चाहे मुझे कुछ मुझ चाहे मेरे अंदर टैलेंट भी हो, मुझे मेरे अंदर बिजनेस वो भी हो, बट आई कैन नॉट डू इट. आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन, आई एम अ जॉब. आई थिंक अगर आई कैन डू अ जॉब I think अगर आप अपना माइंडसेट बना लोगे तो आप कर पाओगे. मेरा ये दिल है सुष्मिता, मैं कोई ना छोटी मोटी जॉब ही करूं, जो मैं कर रहा हूं ऑलरेडी पार्ट टाइम. I work for 25 hours a week and I'm happy with it. मतलब जो है ना बस सही है, लोग करें. मतलब अब मुझसे तो नहीं होता, लेकिन अब पता नहीं लोगों के अंदर हिम्मत हो तो वो जरूर करें, और मेरी दुआएं उनके साथ. अल्लाह पाक हम सबको राइट पाथ पर जाने का वो दे. मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, किसी ने भी चूंकि बिजनेस रिलेटेड एंटरप्रेन्योरियल रिलेटेड टॉपिक है आज का, तो जो भी बिजनेस लोग करें वो करें, बट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, विदाउट इंटरेस्ट. एंड बिलीव मी दे विल बी सक्सेसफुल इफ दे टेक हेल्प फ्रॉम बैंक. आप देख लेना सुष्मिता, आपके टाटा बिरला भी अगर बैंक से काम कर रहे होंगे ना आज भी, एंड इफ दे स्टिल सक्सेसफुल, वन डे विल कम दैट मनी विल नॉट स्टे विद देम फॉरएवर. इट्स जस्ट लाइक अ गैम्बल मनी यू विन इन अ कैसीनो. ये कैसीनो का भी पैसा आपके पास रहता नहीं है. यू इन्वेस्ट देन यू रीइन्वेस्ट एंड देन यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इट. या बट इफ दैट मनी इज योर ओन, इफ दैट मनी इज बोरोड थ्रू अ बैंक, यू आर गिविंग इंटरेस्ट, इट विल नेवर रिमेन. इंस्टॉलमेंट पे जाने ही वाला है ना, इन द एंड इंस्टॉलमेंट में इन द एंड जाने ही वाला है ना. कौन अगर हम किसी और से इन्वेस्टमेंट लेके बिजनेस करते भी है, तो आप वो ही कह रहे हो ना कि जब हम इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा हमें एनी विच वेज जो प्रिंसिपल है वो भी रिटर्न करना है और इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न करना है. सो देयर आर टू थिंग्स टू रिटर्न, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट. एग्जैक्टली. तो फायदा नहीं है ना. तो मतलब मैंने अपनी जिंदगी में आई हैव नेवर सीन पीपल हु हैव वर्क्ड विद द बैंक्स देयर. वो शुरू में लगता तो लोगों को बहुत सक्सेसफुल हैं, हो गए हैं,
लेकिन होते नहीं है इन द एंड. I know a mill in Faisalabad had 1,000 workers, finished. 40 billion rupees ka un par loan hai. 40 billion rupees ka. Kya hua? Bank ko hi paise kama kar agar dene hai, to karobar karne ka fayda kya? Ye bhi to soche na aap. First karein main bank hu. Business strategy proper rahegi to ho sakta hai. कभी भी नहीं हो सकता. मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ. आई थिंक इट कैन वर्क आउट. आई थिंक इट कैन वर्क आउट. नेवर नेवर सर. नेवर मैम. बिकॉज़ अगर प्राइसिंग स्ट्रेटजी प्रॉपर रहेगी प्रोडक्ट्स की और सारी चीजें एनालाइज करके प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो दे कैन मेक प्रॉफिट्स. मेरी प्यारी बहना, दूध खालिस होगा तो मीठा होगा ना. दूध ही खालिस नहीं है. मैं आपको सही बता रहा हूँ. आप अपनी जिंदगी में ये आजमा कर देख लीजिएगा. आप बैंक से लोन लेके बिजनेस करें, आप हार जाएंगी. यू विल लूज. चाहे आप जितनी भी बिल गेट्स को, वॉरेन बुफे को, बड़े से बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट को बिठा लें, वो आपको उस वक्त तो सब सही होगा, बट यू विल लूज इन द एंड. यू विल लूज. मेरा ये बिलीव है, किसी का हो ना हो, मेरी सबको नसीहत है के डोंट वर्क विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. यू आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, आपको तरक्की मिल जाएगी, यू विल बी सक्सेसफुल. पैसा कमाना सिर्फ तरक्की सक्सेसफुल नहीं होती, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी कमाना तरक्की और सेल्फ वो भी होती है. ठीक है ना? तो ये जितने भी लोग हैं जो वेंचर, जितनी भी आप लोग बात कर रहे हैं ना कि हम लोग यार किस तरह से करें, हम बैंक के अलावा नहीं करें, भाई आप खुदा पर पुख्ता यकीन रखें तो आपको सब कुछ मिल जाएगा. आपको सुष्मिता मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, मेरी बात थोड़ी स्पिरिचुअल है, बट ये जिंदगी की हकीकत है. आप थोड़ी इस पर रिसर्च करें और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगी बात कि जैना बिजनेस की इब्तिदा सही होनी चाहिए. कि जो है ना आप देखें, बहुत सारे लोग हैं वो अग्री भी कर रहे हैं. जो अकलमंद आदमी है वो इस बात को समझता है कि जो है ना ये बैंक से काम करके कोई फायदा नहीं है. हाँ, आपके पास थोड़े पैसे हैं, आप थोड़े पैसों से काम करें. मतलब मेरी कहा कि आप सिर्फ बैंक से दो. What I'm saying is कि अगर आपका या किसी का भी बिजनेस काफी बड़ा है तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो अपने पूरे बिजनेस को एक्चुअली एक्सपेंड करने के लिए जो भी पैसे डालने हैं वो खुद से डाल पाएगा. तो थोड़े बहुत कभी ना कभी किसी ना किसी को लेने पड़ते हैं. हाँ, मगर अगर एज अ सर्विस बेस्ड एंटरप्रेन्योर अगर कोई अपना स्टार्ट कर रहा है, फ्रीलांसिंग बिजनेस मॉड्यूल अगर कोई अपना स्टार्ट कर रहा है, तो एनी विच वेज उन्हें मुझे नहीं लगता किसी से फाइनेंस लेने की जरूरत है. जस्ट लाइक मैंने खुद ने भी नहीं लिया. आई स्टार्टेड विद ओनली इन्वेस्टिंग माई टाइम. सो स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग योर टाइम. अगर कुछ इन्वेस्ट करना है, अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए और फिर अपने आप आपका बिजनेस धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. हमने क्यों सीखा है बचपन से? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आप कह रही हैं. तो एनीवेज सुष्मिता, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. आगे भी आपसे बात होती रहेगी. और टाइम टू प्रे नाउ. जोहर की नमाज का वक्त है तो आई कैन नॉट लीव दैट. तो आई एम ऑलरेडी लेट 5-10 मिनट्स अगो. उसके लिए भी मुझे परेशानी हो रही है कि मैं क्यों उसके लिए नमाज के लिए मैं कैसे देरी हो गई. तो मैं नमाज नहीं छोड़ सकता, आपकी कन्वर्सेशन जरूर छोड़ सकता हूँ उस वक्त के लिए. वी विल अगेन टॉक एंड वी विल टॉक एट अ टाइम व्हेन मुझे नमाज की देरी ना हो रही हो. एंड वी विल टॉक ऑन अ डिफरेंट टॉपिक इंशाल्लाह. आप सब व्यूअर्स को से खुदा हाफिज. And have a nice day. Thank you, Sushmita. And thank you, Rohan. Bye. Bye. Guys, बहुत ही intense discussion था, right? So I hope आप लोगों को मजा आया होगा. And और next Thursday के लिए, well, every Thursday मैंने आप लोगों के लिए ask me anything इसलिए रखा है कि आप लोग मुझे अपने questions पूछ सके जो मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर कर सकूं. दैट्स ओके फेम. आप अपने व्यूज रख रहे थे, इट्स ओके. एंड व्हेन इट कम्स टू डिस्कशन गाइस, यहाँ पे एक
फ्री जोन है ये अपना, राइट? तो आप लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपके आंसर्स दूंगी. उसके अलावा आपको कुछ और भी मेरी तरफ से जानना है तो आप, जैसा कि मैंने आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कैन यू प्लीज हेल्प मी अबाउट वेंचर कैपिटल. सो व्हाट इज योर क्वेश्चन अबाउट वेंचर कैपिटल? आप अपना एक बार मुझे क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि कमेंट्स काफी ऊपर जा चुके हैं. टाइम ज्यादा आइडिया नहीं था, टाइम ज्यादा किया आइडिया नहीं था, ये ऐसा एक्चुअली टाइम ज्यादा ही किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे मोस्टली एक घंटे के लिए लाइव आती हूँ, बट आई थिंक अभी 1.5 आवर हो चुका है आके. तो आप लोग लास्ट क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे ड्रॉप इन कर दीजिए जो मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगी. उसके अलावा आप लोग मुझसे, मेरा जो फेसबुक ग्रुप है जिसका लिंक है ऊपर, उस पे आप कनेक्ट कर सकते हो. मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जहाँ पे मैं हिंदी में वीडियोस भी डाल रही हूँ, और भी वीडियोस आने वाले हैं उसके अलावा. और मेरे प्रोफाइल पे मैं लाइव स्ट्रीम्स करती हूँ, टाइप ऑफ बिजनेस विच कैन बी रन इजीली विद गवर्नमेंट जॉब, मिनिमम कैपिटल एंड टाइम. वेल, हाउ कैन यू हेल्प मी विद एसईओ फॉर एवरी पेज और रैंक फॉर टीचिंग स्टार्टअप? इज इट गुड टू अप्रोच फॉर टेक स्टार्टअप? इज इट गुड टू अप्रोच वेंचर कैपिटलिस्ट? अर्सलन, अभी हम लोग बात कर रहे थे, अगर आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो ट्राई कि आप अपने सेविंग्स पे स्टार्ट कर सको. अगर शुरुआत में छोटा भी शुरू करना पड़े, अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर फर्म स्टार्ट करना चाहते हो तो एक एज अ फ्रीलांसिंग बिजनेस मॉड्यूल से स्टार्ट कीजिए. एज अ फ्रीलांसर डेवलप हो जाइए, अपने प्रोफाइल्स बनाइए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, अपनी खुद की वेबसाइट बनाइए. सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे मत डेवलप कीजिए, उसके अलावा अपना पेज बनाइए, अपने प्रोफाइल पे आप जो काम कर रहे हो वो शेयर कीजिए, अपना ऑडियंस बिल्डअप कीजिए, जो भी आप काम कर रहे हो उसे लोगों तक पहुंचाइए, अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसके पीछे कहानी क्या है, क्यों उसे आपको इस चीज में एक्चुअली क्यों इंटरेस्ट है, तब जाके लोग आपको सुनेंगे समझेंगे. अगर उन्हें सिंपल एक सॉफ्टवेयर भी बनाना है, या वो किसी को जानते हैं कि एक्चुअली हाउ टू डेवलप योर ओन वेबसाइट, जाके wordpress.com या wordpress.org पे अपनी वेबसाइट्स बनाइए. बहुत इजी है और आपको सिर्फ एक डोमेन की जरूरत पड़ेगी. wordpress.org पे आप अपनी वेबसाइट बनाओगे ज्यादा प्रोफेशनल रहेगी. wordpress.com पे बनाओगे तो उसपे इतना कस्टमाइजेशन नहीं है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप wordpress.org पे अपनी वेबसाइट्स बनाइए, या फिर आपको अगर ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो आप स्क्वायर स्पेस पे भी बना सकते हैं अपनी वेबसाइट. और इन सब और ऐसे सब और क्वेश्चंस के लिए गाइस, मेरा ऊपर फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग मुझसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हो, वहां पे आप ज्वाइन इन कीजिए. प्लस मैंने जैसे भी कहा, मैं अपने प्रोफाइल पे, अपने इंग्लिश वाले फेसबुक ग्रुप में, हिंदी वाले फेसबुक ग्रुप में, यूट्यूब पे, पेज पे, अलग अलग जगहों पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहती हूँ. तो आप लोग मुझे बाकी जगहों पे भी चेक कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन ऑफर कर रही हूँ. सो मुझसे बाकी जगहों पे भी कनेक्टेड रहिए. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. अगले थर्सडे मैं वापस यहाँ पे आऊंगी आप सब लोगों से कनेक्ट होने के लिए, और बाकी और लोगों के, और जो लोग आज भी मुझसे कनेक्टेड थे उन लोगों के भी क्वेश्चंस आंसर करने के लिए, राइट? सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. अगले थर्सडे आप लोगों से मिलते हैं. अंटिल देन सी या. मुझसे मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे फॉलो कीजिए, मेरे ग्रुप में ज्वाइन इन कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस वहां पर भी आंसर करूंगी, राइट? सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सी या. शेयर कीजिए इस स्ट्रीम को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने दीजिए. ओके, बाय गाइस.